हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर जेड अचीवर एंड्रॉयड 12, 13 और 14 में वर्क नहीं कर रहा है, डाटा और ओवी फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब ऊपर सर्च बार ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लिखना है फाइल। तो जैसे आप फाइल लिखेंगे तो इस प्रकार का फाइल्स ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब इस तरीके से ओपन होगा। अब ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो 3 डॉट पर क्लिक करना है। और फिर अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। इससे जो इसका अपडेट रहेगा अनइंस्टॉल हो जाएगा, हमने कर रखा है इसीलिए शो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही गाइस इतना आप कर लेते हैं, अब आपको बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है जेड अचीवर, तो यहाँ पर ऐप आ जाएगा। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो एक बार अनइंस्टॉल कर देना है और फिर से इसे इंस्टॉल करना है। तो हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है तो हम अब इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पर ओके करना है, फिर यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। अब बैक आना है, फिर से हम ओके करते हैं। देखिए इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार इस तरीके स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो ओपन हो जाएगा, या फिर आप इसे फिर से ओपन करना तो ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम एंड्रॉयड वाले फोल्डर पर क्लिक करते हैं। अब डाटा पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ से ओके करते हैं और अब नीचे यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और अलाउ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ओपन हो गया। अब हम बैक आते हैं, अब ओबीबी फोल्डर पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, फिर नीचे यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करते हैं और अलाउ कर देते हैं। देखिए ये भी ओपन हो गया। अब हम बैक आते हैं, फिर से ओपन करते हैं, देखिए दोनों फोल्डर ओपन हो रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम थी सही हो चुकी है। इस तरीके से आप भी सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।